हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो ओल्ड चॉपिंग बोर्ड होता है उसको आप किस तरह से रीयूज़ करें फेंकने के बदले, तो वही मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो चॉपिंग बोर्ड है उसे सबसे पहले मैं सेलोटेप से इस तरह से मैं स्टिक कर लूँगी। आप लोग अगर पेंटिंग कर पाते हैं तो पेंटिंग भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये प्रोसेस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो पेंट नहीं कर पाते हैं, पेंटिंग नहीं जानते हैं, वो भी इसको इजीली इसे इस तरह से कर पाएंगे पेंटिंग। सारे टेप जो है इस पैटर्न से मैंने स्टिक कर लिया है। तो इसके बाद जो है फैब्रिक जो पेंट होते हैं वही पेंट मैंने यूज़ किया है, और इस तरह का एक ब्रश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो एक एक जगह पे एक एक कलर आप इस तरह से लगाइए। जो है जो कलर है मैंने पेंट कर लिया है, तो इसके ऊपर सेकंड कोट इसको थोड़ा सा ड्राई कर ले, उसके बाद सेकंड जो कोट है एक एक करके फिर से लगा लीजिए। इसके बाद जो है पेंट पूरा जब ड्राई हो जाए उसके बाद आप जो सेलोटेप है उसे आप हटा दें, धीरे धीरे उसको हटा दें। फिर जो है ब्लू कलर दिख रहा है वो एक्चुअली सेलोटेप का पीछे का जो कलर है वो यहाँ पे स्टिक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हम जो खाली जो जगह है वहाँ पे मैं वाइट पेंट से अच्छे से पेंट कर दूँगी। यहाँ पे जो है फर्स्ट कोट में दे रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इस खाली एरिया को टोटल आप वाइट कलर से पेंट कर दे। यहाँ पे वाइट कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि वाइट कलर देने के बाद जो भी कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये चीज़ बहुत ज़्यादा कलरफुल लगेगा और कलर बहुत ही ज़्यादा खिला खिला लगेगा, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जब कंप्लीट करूँगी इसे। पर जो है मैंने पूरी तरीके से पेंट कर दिया है इसे, फर्स्ट कोट देकर ड्राई करने के बाद मैंने सेकेंड कोट भी यूज़ किया है। इस तरह से दिखने में जो ग्लिटर शीट होता है उसको आप साइड से इस तरह से कट कर लीजिए। तो मैंने चॉपिंग बोर्ड में जो भी पैटर्न वहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से मैंने उस तरह का कट कर लिया है जो भी ग्लिटर शीट है। जो फेविक्विक होते हैं उसको पीछे थोड़ा थोड़ा देकर इसे इस तरह से स्टिक कर दीजिए।
हिसाब से वही जो ग्लिटर शीट है वही कट करके मैंने यहाँ पे सारे जो है स्टिक कर दिया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे जो है मेरे बेटे भी मुझे हेल्प करने आए हैं। अभी जो है जो मिरर जो पीस होता है मैं राउंड शेप में यूज़ कर रही हूँ। इसे आप कहाँ कहाँ पे स्टिक करेंगे उस हिसाब से आप जस्ट वहाँ पे रख दे। उसके बाद जब आप आपको लगे कि इस तरह से रखने पे अच्छा लगेगा तो वहीं पे रख के एक एक करके आप पीछे से जो फेविक्विक है लगा दे और वहाँ पे स्टिक कर दे। अगर आप लोगों को मेरे जो आइडिया है वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे से मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल बटन आता है उसको हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है वॉल पे टांग के। तो आप इसे वॉल डेकोर आइटम के हिसाब से यूज़ करें और इसे आप कोई भी कैबिनेट के ऊपर भी रख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।